Hello guys, welcome back to Ambition Nursing Classes. In this class, we are going to learn about antihistamines and antitussive drugs. So first we are going to start with antihistamines. So what is the definition of antihistamines? A drug that reduces or eliminates the effects mediated by chemical histamine. Okay, so jo antihistamine, as the name suggests, which counteract the action of histamine, है ना, जो हमारे histamine के action को counteract करेगा उसको क्या बोलते हैं, antihistamine drugs. So before proceeding with the topic, आपको पता होना चाहिए कि histamine है क्या, how does it work. Histamine क्या है, एक chemical है which is released during allergic reactions. ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन से जब भी होगा तो हिस्टामिन रिलीज होगा. ये कहाँ से सिक्रेट होता है, इट इज सिक्रेटेड बाय मास सेल्स और या फिर बेसोफिल्स इन द ब्लड. ठीक है, बेसोफिल्स या फिर मास सेल से हमारा हिस्टामिन रिलीज होगा जब भी कोई भी हमारी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, सो उसको, उसके एक्शन को काउंटर एक्ट करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटी हिस्टामिन्स देते हैं. ठीक है, हिस्टामिन इज रिलीज बाय योर बॉडी ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शंस एंड एक्ट ऑन स्पेसिफिक हिस्टामिन रिसेप्टर्स. एग्जाम्पल्स क्या है हमारे एंटी हिस्टामिन्स में, प्रोमिथाजाइन, क्लोरफिनिरमिन, सिट्रिजिन. ये बहुत मोस्ट कॉमनली है, जब भी कोई हॉस्पिटल में रिएक्शंस होते हैं तो हम बोलते हैं ना पेशेंट को सिट्रिजिन दे दो, लीवोसिट्रिजिन. ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन ड्रग्स है. नेक्स्ट, हाउ डज इट वर्क. सो यूजुअली हमारे पास क्या होते हैं, चार हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं, H1 रिसेप्टर, H2, H3 एंड H4. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ड्रग एक्टिंग ऑन GI सिस्टम पे, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हैं ना, वो हमारे कहाँ पे काम करते हैं, H2 रिसेप्टर्स पे करते हैं और गैस से एसिड सिक्रेशन को कम करते हैं. उसी तरीके से जो हमारे एंटी हिस्टामिन्स होते हैं वो हमारे H1 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं और हमारे एलर्जिक जो रिएक्शंस हैं उनको कम करते हैं, ना, क्लियर है. सो मोड ऑफ एक्शन क्या है, द टर्म एंटी हिस्टामिन यूजुअली रेफर्स टू H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये H1 रिसेप्टर्स पे काम करेंगे. एंटी हिस्टामिन कम्पीट विद हिस्टामिन फॉर बाइंडिंग साइट एट द रिसेप्टर्स. एंटी हिस्टामिन कैन नॉट रिमूव द हिस्टामिन इफ इट इज़ ऑलरेडी बाउंड. मान लो हमारे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जब हिस्टामिन हमारा मास सेल से रिलीज होता है तो ये यहाँ पे आके हमारा H1 रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाता है. ठीक है, अब एंटी हिस्टामिन हमने बाहर से दिया तो एंटी हिस्टामिन क्या करता है, इस हमारे हिस्टामिन के साथ कंपीट करेगा. ठीक है, बट ये कभी भी जहाँ पे ऑलरेडी हिस्टामिन अटैच हो गया उसको रिमूव नहीं कर सकता. क्लियर. एलर्जीज आर कॉज्ड बाय हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एंटीबॉडी क्लास, कौन सी, IgE की वजह से. IgE जो है एंटीबॉडी क्लास है वो इन्वॉल्व होता है हमारे किस में, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में, विच इज़ लोकेटेड ऑन द मास सेल इन द टिश्यूज एंड बेसोफिल्स इन द ब्लड. जब भी व्हेन एन एलर्जन इज एनकाउंटर्ड इट बाइंड्स टू IgE. जब भी देखो एंटीजन आया, हमारा कोई भी एलर्जन आया, वो किसके साथ बाइंड करेगा, IgE के साथ, विच एक्टिवेट्स द मास सेल. ठीक है, एंटीजन आया, IgE के साथ अटैच हुआ, उसने क्या एक्टिवेट किया, मास सेल्स को एक्टिवेट किया और बेसोफिल्स, लीडिंग देम टू रिलीज मैसिव अमाउंट ऑफ हिस्टामिन. ये हिस्टामिन रिलीज होंगे, ये हिस्टामिन जाके हमारे कहाँ पे, H1 रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाएंगे, है ना. तो H1 रिसेप्टर्स पे अटैच होंगे, हम क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन्स देंगे ताकि ये H1 रिसेप्टर पे जाके अटैच ना हो और जो हमारी एलर्जिक रिएक्शंस है, जो भी हमारा एलर्जिक रिएक्शंस हुआ है वो कम हो जाए. क्लियर है. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिन्स. एंटी हिस्टामिन्स आर यूजुअली डिवाइडेड इंटू टू जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन एंड द सेकेंड जनरेशन. अब फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, बेनाड्रिल, प्रोमिथाजाइन, क्लोरफिनिरमाइन. ठीक है, सेकेंड जनरेशन में सिट्रिजिन, लोटडीन, लीवोसिट्रिजिन.
देखो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है इट जो फर्स्ट जनरेशन इट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, बट सेकंड जनरेशन जो है एंटी हिस्टामिन है इट कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। अब देखो कोई भी अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को कोई भी ड्रग अगर क्रॉस कर जाता है तो उसमें यूजुअली साइड इफेक्ट्स क्या दिखेंगे हमारे, सेडेशन, हाइपर एक्टिविटी, इंसोम्निया, कन्वर्जन्स, ठीक है। बट सेकेंड जनरेशन में ये सब साइड इफेक्ट्स जो है वो नहीं दिखते, ठीक है। केस रिपोर्ट ऑफ टॉक्सिसिटी आर रेगुलरली पब्लिश, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में टॉक्सिसिटी के चांसेस है वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन। इसमें ये मेन चीज़ आपको पता होना चाहिए बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट जनरेशन एंड द सेकेंड जनरेशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्लिनिकल यूज, कहाँ कहाँ पे हम एंटी हिस्टामिन्स यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया कि एलर्जिक रिएक्शंस कोई भी हो, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस, अर्टिकेरिया और वी कैन से हाइव्स, एंजियोडिमा, प्रूराइटिस, एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस, नोशिया एंड वॉमिटिंग एंड सेडेशन। क्लियर हुआ? देन व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट जनरेशन से हमारे जो साइड इफेक्ट्स वो ज़्यादा होते हैं, कौन कौन सा, सेडेशन, स्लीप, डिजीनेस, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, पैराडॉक्सिकल एक्साइटेशंस, ट्रेमर्स, यूफोरिया, हेलुसिनेशंस, डिसोरिएंटेशन एंड कन्वर्जन इन रेयर केसेस। तो आपने देखा होगा ना हॉस्पिटल सेटिंग में जब भी हम सिट्रजिन जो है वो हमेशा बेड टाइम पे देते हैं, चेस्ट में देते हैं ना, बिकॉज उसे क्या होता है, स्लीप, सेडेशन, डिजीनेस, ये सब क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स है। तो पेशेंट अगर रात में लेके उसको सो जाएगा तो उसको जो ये साइड इफेक्ट्स है वो इतना विजिबल नहीं होंगे। क्लियर? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, प्रेगनेंसी में हम इसको अवॉइड करेंगे इन केस ऑफ ग्लूकोमा, CNS डिप्रेशन एंड बोन मैरो डिप्रेशन। सो यहाँ पे इधर हमने पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट दिखा रखे हैं फॉर H1 एंटी हिस्टामिन्स के, जैसे CNS पे डिक्रीज अलर्टनेस, कॉग्निशन, डिक्रीज लर्निंग मेमोरी, इन मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स में ड्राई माउथ कॉज करेगा। सो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फ्लूड इनटेक ज़्यादा करेंगे, यूरिनरी रिटेंशन के ज़्यादा चांसेस हैं, देन एपेटाइट इंक्रीज करेगा, वेट गेन होगा, अल्फा एड्रिनर्जिक इंक्रीज, डिजीनेस, हाइपोटेंशन हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है हमारे एंटीथोसिस। सो एंटीथोसिस क्या होती है, एनी ड्रग विच इज़ यूज टू रिलीव द कफ, ठीक है, एनी ड्रग विच इज़ यूज टू रिलीव कफ, इट कैन बी द ड्राई कफ और इट कैन बी विद एक्सपेक्टोरेंट। सो इसके कुछ क्लासिफिकेशंस है, क्लासिफिकेशंस में हमारे क्या क्या आता है, फर्स्ट आता है हमारा एक्सपेक्टोरेंट्स, ठीक है, सेकंड हमारा है फेरेंजियल डीमल्टेंट्स, थर्ड एंटीथोसिव विच एक्ट ऑन CNS, एंड फोर्थ इज एडजुएंट एंटीथोसिव। एक्सपेक्टोरेंट्स में हमारे टू क्लासिफिकेशंस है, एक सिक्रीशन एनहांसर्स है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं म्यूकोकाइनेटिक्स, एंड सेकेंड क्लास हमारा म्यूकोलेटिक्स। म्यूकोकाइनेटिक्स क्या करता है, म्यूकोकाइनेटिक्स हमारा जो सिक्रीशंस हैं उनको बाहर लाने में हेल्प करते हैं ना, बट म्यूकोलाइटिक्स क्या करता है, सिक्रीशंस को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। इनके एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं, सिक्रीशन एनहांसर म्यूकोकाइनेटिक्स में आता है पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, गुआइफेनेसिन, देन म्यूकोलाइटिक्स में ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन, ये सब आते हैं। देन एंटीथोसिस के हमारे डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स, एंटी हिस्टामिनिक्स एंड पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर्स। देन फेरेंजियल डी मल्टेंस में लोसेंजेस, सिरप्स, ग्लिसरीन, ये सब आता है, और एडजुएंट्स में आता है ब्रोंको डायलेटर्स। एडजुएंट में ब्रोंको डायलेटर्स कैसे, अगर ब्रोंको डायलेटेशन हुआ तो हमारा जो कफ है, म्यूकस है, वो ईजिली निकल जाएगा, जिसमें एग्जाम्पल है सल्ब्यूटामोल। तो एंटीथोसिस में एज हमने पढ़ा फर्स्ट क्लास एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट्स लिक्विफाई द म्यूकस एंड फैसिलिटेट्स इट्स रिमूवल फ्रॉम द लंग्स थ्रू द कफिंग, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट्स एज नेम सजेस्ट कि ये बाहर निकलते, लिक्विफाई करेगा म्यूकस को और फिर इसका रिमूवल को फैसिलिटेट करेगा। इसमें एग्जाम्पल है गुआइफेनेसिन।
इसमें हमने बताया कि दो क्लास होते हैं, म्यूकोकाइनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहांसर्स। एग्जांपल क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड एंड अमोनियम क्लोराइड। देन नेक्स्ट है हमारी क्लास एसिटाइल सिस्टीन, जिसको हम दूसरा नाम क्या है, म्यूकोलिटिक्स। ये क्या करती है, ये रिड्यूस करती है द विस्कोसिटी ऑफ पर्पल, नॉट विस्कोसिटी ऑफ प्यूरेंट एंड नॉन प्यूरेंट टू पल्मोनरी सिक्रेशन एंड फैसिलिटेट्स इट्स रिमूवल। ठीक है, ये क्या करेगी, हमारा विस्कोसिटी है ना जो भी हमारे सिक्रेशंस का, वो कम कर देगी। क्लियर। देन इसका यूज़ क्या होता है, यूज अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिसिस एंड एटलेक्सिस। इन सब केसेस में हम इन सब को, एक्सपेक्टोरेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन आती है एंटीटूसिव्स, इनको क्या कफ सेंटर सप्रेशंस भी बोल सकते हैं। दीज एक्ट इन द CNS। CNS में कैसे काम करते, टू रेज द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर और एक्ट पेरिफेरली इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू रिड्यूस द टूसिव इम्पल्सेस। जो टूसिव इम्पल्स होगा ना, उनको काम कर देगा। और ये मेन कहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे कफ सेंटर में काम कर रहे हैं। ठीक है, शुड बी यूज ओनली फॉर ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ। एंटीटूसिव जो CNS पे काम करते हैं, उनको हम सिर्फ ड्राई कफ के लिए यूज़ करते हैं। इसमें एग्जाम्पल है ओपियोइड्स, जो कि कोडीन, फिलोकोडीन। देन नॉन ओपियोइड्स में नेस्केपीन, डेक्स्ट्रोमेट्रोफेन, क्लोरफिडिनोल। देन एंटी हिस्टामिनिक सिस्टम ड्रग्स कौन सा है, क्लोरफिनरमीन, डाइफिनाइड्रामीन एंड प्रोमेथाजीन। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी एडजुएंट एंटीटूसिव्स, जिसमें आते हैं हमारे ब्रोंकोडायलेटर्स। सो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं, हाउ डज दे वर्क, दे कॉज अ ब्रोंकोस्पाज़म, कैन इंड्यूस और एग्रीवेट द कफ। ठीक है, ब्रोंकोस्पाज़म जब भी होता है तो वो क्या करता है, एग्रीवेट करता है कफ, स्पेशली इन द इंडिविजुअल विद ब्रोंकियल हाइपरटेंशन एक्टिविटी। तो इस जब इस किसी पेशेंट को ब्रोंकियल स्पाज़म होता है, तो हमारे कफ जो है वो ज़्यादा एग्रीवेट करता है, इसलिए हम उस पेशेंट को क्या देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। सो ब्रोंकोडायलेटर इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ कफ इन क्लियरिंग द सिक्रीशन बाय इंक्रीजिंग द सर्फेस वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लो ड्यूरिंग कफ। और इसमें एग्जाम्पल्स क्या आते हैं, हमारा सेल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। नेक्स्ट है हमारा फेरेंजियल डीमल्टेंस, ये क्या करते हैं, सूद द थ्रोट एंड रिड्यूस एफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड और इरिटेटेड फेरेंजियल म्यूकोसा। ये कैसे काम करता है, आप देखो ये क्या करता है, जो हमारा थ्रॉट है ना उसको सूदिंग बना देगा, और जो हमारे इम्पल्स आते हैं, जैसे कोई भी इन्फ्लेम्ड म्यूकोसल है तो उससे हमारा इम्पल्स आएगा ना एफरेंट की कफ करो, है ना, ऐसे कोई भी इन्फ्लेम्ड एरिया, तो ये उसको क्या कर देगा, काम कर देगा, सूद कर देगा थ्रॉट को, ताकि वो इन्फ्लेम जो इरिटेटेड फेरेंजियल म्यूकोसा है उससे कोई भी इम्पल्स ना आए। इसमें एग्जाम्पल है लोसेंजेस, कफ ड्रॉप्स एंड ग्लिसरीन। क्लियर। सो यहाँ पे हमने एक एनिमेटेड फोटो लगाई है, जिससे आप इसके देख सकते हो कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंड कैसे ये वर्क कर रहे हैं। देन साइड इफ़ेक्ट्स क्या है एंटीटूसिव्स के, मेनली हेडेक, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन। सो दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटीटूसिव्स। सो दिस मच, आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। एंड इफ यू want other videos on the any other topic, please write down in the comment section, and if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.